रिहाई करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं किस भारतीय नीतीश जी ऐसा तो नहीं। एक ही बात प्लीज, एक बात टू कंक्लूड करने के लिए कि अब ये भारतीय जनता पार्टी की बात रही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने को समाहित कर दिया है और इस स्थिति में जानना जरूरी है कि जो देश का नेतृत्व करना चाहते हैं वो नेतृत्व की गद्दी पर कुर्सी पर बैठेंगे तो उनका क्या नजरिया होगा, क्योंकि गुजरात के मॉडल को बार बार प्रचारित किया जाता है। गुजरात का मॉडल जी कैपिटल इंटेंसिव मॉडल जरूर है, इंप्लॉयमेंट जनरेटिंग नहीं है। नहीं, नहीं, और उस मॉडल से न महंगाई पर काबू पाया जाएगा। और एक बात मैं आखिरी बात कह देता हूं, इतना ह्यूज जो साधन झोंका जा रहा है चुनाव में, क्या आपने कभी देखा है? हम लोगों ने इतने दिनों से चुनाव देखा, चुनाव अभियान देखा, लेकिन इतना अधिक पैसा झोंकना चुनाव में, और यह पैसा कहां से आता है? जो पैसा देगा चुनाव में वो चुनाव के बाद उसकी वसूली करेगा और वैसी नीतियां बनेगी। ये सामान्य नागरिक के हित में नीति नहीं बनेगी, उनके हित में नीति बनेगी जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप आज जो पॉलिटिक्स में ये तो आप ऐसे ही, ये तो कहा जा सकता है कि आप एक तरह से खुल के ऐसे ही एक आरोप लगा रहे हैं जिसके कोई बेसिस नहीं है। हम तो आरोप नहीं लगा रहे, हम तो जो सच्चाई दिख रही है उसके बारे में कह रहे हैं। अब इसमें क्या दिख नहीं रहा लोगों को? दिख रहा नहीं, एक बात बताइए नीतीश कुमार जी, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आप पहले काम कर चुके हैं, आपने खुद वाजपेयी जी की प्रशंसा की है, आप अभी भी मुरली मनोहर जोशी के बारे में कह रहे हैं, जसवंत सिंह के बारे में कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फूट लगाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी में, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मेरा प्रश्न आपसे ये है नीतीश कुमार जी, क्या आपको लगता है कि मोदी इक्वल्स बीजेपी एंड बीजेपी इक्वल्स मोदी? टुमारो इज एवरीबडी इन द बीजेपी, इज एवरीबडी इन द बीजेपी अ कॉम्युनल पर्सन? आर ऑल लीडर्स ऑफ द बीजेपी कॉम्युनल? कोई दूसरी तरफ हम लोग जिस बीजेपी के साथ थे वो बीजेपी आज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मोदी के कारण आप कह रहे हैं। उसी के ये चंद उदाहरण हैं, ये उसी के चंद उदाहरण हैं कि जिन लोगों ने उस बीजेपी को बिल्डअप किया वो दरकिनार कर दिए गए। ऐसी स्थिति में एक नए अवतार में भारतीय जनता पार्टी प्रकट हो रही है, इसलिए हिंदुस्तान के हर नागरिक का, जैसे आप अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि हर हिंदुस्तानी को जानने का अधिकार है, देश जानना चाहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि देश को जानना चाहिए, और देश जानना चाहता है कि आज जिनके पीछे कोशिश हो रही है हवा बनाने की, उनकी आर्थिक नीतियां क्या हैं, इंप्लॉयमेंट जनरेट कैसे करेंगे? नहीं, नहीं, मगर देश ये भी जानना चाहती है नीतीश कुमार जी। एनडीए जब था 99 में तो एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस था नीतीश जी एक जसवंत सिंह जी ने और नीतीश जी ने तैयार किया। नीतीश जी आपने कहा, आपने मेरे लाइन को लेकर आपने कहा देश जानना चाहती है, तो मैं आपसे पूछता हूं, देश एक बात जानना चाहती है मगर लगता है कि नीतीश कुमार आजकल खुलकर नहीं बोलते। अगर खुलकर बोले तो मैं एक सवाल करूं अभी आप। बिल्कुल, हम इतना सब स्पष्ट तौर पर और खुलकर बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये सवाल पूछूंगा आपसे, तो आप, मैं देखता हूं कि आप उसको खुलकर जवाब देते हैं कि नहीं देते। तो मेरा सवाल ये है, संक्षिप्त और सीधा सवाल आपसे ये है, क्या आप कल कोई, अगर इज योर प्रॉब्लम विद मोदी और इज योर प्रॉब्लम विद बीजेपी, एंड टुमारो विल यू बी रेडी टू सपोर्ट समबडी एल्स? One minute. Your problem was about Modi's nomination as Prime Minister from the BJP. Will you be able to support somebody else, not Modi? अब गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। नहीं, वो तो अब ये पूरा प्रश्न है, कौन सी पॉलिसी चलेगी, देश की राजनीति क्या होगा, यानी कि इन ऐसी शक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के समझौता या सहकार का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नहीं, अभी के बीजेपी के साथ मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि स्पष्ट यकीन है सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, फेडरल स्ट्रक्चर,
हम समाजवादी विचार को मानने वाले हैं, सो इज हम चाहे पॉलिटिकल पावर हो या इकोनॉमिक पावर हो, उसके डिसेंट्रलाइजेशन में यकीन करते हैं, हर चीज का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। नहीं नहीं, एक मिनट, बिल्कुल ये सारे प्रॉब्लम्स जिसकी बात आपने कही, भूरी का नहीं संभव नहीं, ये सारे चीजें जिसकी बात आपने कही, आप कहते हैं कि इन सब प्रॉब्लम्स का जड़ के जड़ वो नरेंद्र मोदी है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, अगर नरेंद्र मोदी नहीं हो, कोई और हो, हम तो कोई और हो, ये तो आप लोग इसकी चर्चा छेड़ते। नहीं नहीं, चर्चा तो होगी, तो जानने का अधिकार, चर्चा होगी कि अगर आप किसी व्यक्ति के को केंद्र में रखकर सारी राजनीति कर रहे हैं, तो ये देश को जानने का अधिकार है कि उनकी नीतियां क्या होगी। देश को जानने का ये अधिकार है नीतीश जी, देश को चलाएंगे, देश को जानने का ये अधिकार है कि नीतीश कुमार बातों को रखें और उसको प्रचारित नहीं, नहीं, देश को जानने का ये अधिकार है कि नीतीश कुमार कल मोदी को छोड़ के कोई और भारतीय जनता पार्टी के लीडर के साथ काम अथवा पार्टनरशिप या किसी तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करा सकते हैं कि नहीं, क्या ये असंभव है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल असंभव है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे बुनियादी उसूल जो हैं वो इसकी इजाजत नहीं देते। अच्छा, तो अब ये राजनीति हो गई, अब वो भारतीय जनता पार्टी गई, नए रूप में सामने आई है और इनके पास कोई नीति नहीं है। ये पूंजीवादी व्यवस्था को और जो कैपिटल इंटेंसिव जो ग्रोथ है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं और इनकी नीयत है कि उसके खिलाफ विरोध का कोई स्वर फूट न पाए, हम उसको दबा दें, कुचल दें। इसलिए ना ये सेकुलरिज्म पर बहस करना चाहते हैं, ना डेमोक्रेसी पर बहस करना चाहते हैं, ना फेडरल ढांचे पर बहस करना चाहते हैं, आप ना सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर बहस करना चाहते हैं। आप तो बहस कीजिए, आपने आज प्रोग्राम पे कह दिया है कि आप बिल्कुल बातचीत और डिबेट करने के लिए तैयार है नरेंद्र मोदी के साथ। हम तो उनको पूछेंगे कि अगर वो भी तैयार है। मेरा सवाल, अगला सवाल आपसे ये है, दो तीन और सवाल है। एक व्यक्ति की बात नहीं है ये, डिबेट इन विषयों पर डिबेट होना चाहिए। हम तो आप ही को कहेंगे, आप सर्टेन पॉलिसी और प्रिंसिपल्स के आधार पर डिबेट कराइए, जरूर सब लोगों को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित कीजिए, जरूर। अगर ये आमने सामने कोई डिबेट करने से के लिए तैयार न हो, तो एक सर्टेन इशूज पर सबके विचारों को देश की जनता के सामने में लाया जाना चाहिए। तो ये जनता को जानने का अधिकार है, तो ये इन्फॉर्म डिबेट होना चाहिए और जो सिलेक्ट करें कि फिर जनता ठगी न जाए। बिल्कुल कोशिश होगी हमारी तरफ से कि हम ऐसा डिबेट करें, आपको भी आमंत्रित करेंगे। नरेंद्र मोदी के तीन चार और जो वाक्य हैं, और मैं नरेंद्र मोदी सेंट्रिक इंटरव्यू नहीं कर रहा हूं, मगर क्या करें नीतीश कुमार जी, जब कोई नरेंद्र मोदी की बात कहे तो लगता है कि ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन देयर इज नीतीश कुमार। वो कहते हैं कि आपका जो अहंकार है वो माउंट एवरेस्ट से बड़ा है, और उन्होंने कहा है कि आपने खुद प्रकट कर दिया अपने प्रधानमंत्री होने के इंटरेस्ट को, आपने खुद दिखा दिया कई दिन पहले जब आपने कोई एक बात कही अपने बारे में, आपने कहा कि मेरा भी काफी एक्सपीरियंस है। अहंकार ये एवरेस्ट है और हिमालय है, उसको हमेशा पॉजिटिव कंटेक्स्ट में रखा जाता है। हिमालय की ऊंचाई, एवरेस्ट की ऊंचाई को हमेशा अच्छी चीजों से जोड़ा जाता है, अहंकार बुरी चीज है, उसके साथ नहीं जोड़ा जाता है, निगेटिविज्म है। और रही बात हम लोगों के जैसे मामूली आदमी को क्या अहंकार होगा, हम लोग तो अगर कोई सवाल उठाते हैं तो हम लोगों को अहंकारी कहा जाता है। तो 8 मार्च जबकि को बात दूसरी तरफ है, 8 मार्च सिर्फ डिबेट करना चाहते हैं, डिबेट की बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि डिबेट हो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में, और मैं कह सकता हूं सारी देश की जनता देखेगी जिस दिन ये डिबेट होगी नीतीश कुमार जी, सारी देश की जनता देखेगी। इशूज पर अर्णव जी डिबेट होना चाहिए, बिल्कुल, व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे। और एक और बड़े लोग जब चाहे तो मामूली लोगों पर जो चाहे प्रतिक्रिया व्यक्त कर दें, लेकिन दुनिया तो देख रही है, वो तो एक तरफा चल रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी डिबेट पर आधारित है और अपना मुल्क डेमोक्रेटिक है, कोई भ्रम में ना रहे, इस देश से डेमोक्रेसी को खत्म करने में कामयाब। किसका भ्रम है डेमोक्रेसी में? किसको भ्रम है? में डिबेट उसका अविभाज्य अंग है, बिना डिबेट के डेमोक्रेसी नहीं है, और डिबेट होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन करे तो उसको अहंकारी कह के कुचलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यही तो है आगे आने वाले दिनों में। आप कह रहे हैं कि आप समझ लीजिए कल क्या होने वाला है। मैं आप कह रहे हैं कि आप डिबेट करना चाहते हैं और
आपको अहंकारी कह के नरेंद्र मोदी उस डिबेट से भाग रहे हैं जो जिस डिबेट की होने की जरूरत है, इश्यू बेस्ड डिबेट। में समझ गया आपकी बात को। नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही 8 मार्च को, उन्होंने कहा कि इंडिकेट किया कि वो जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे। अरे स्पेशल और ये पैकेज और तो अभी भी मिला हुआ है, ये स्पेशल पैकेज की बात क्या है? अरे बिहार का डिमांड है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है वो बिहार की मांग है। ये जन जन की आवाज है बिहार में। आप एक्सेप्ट करेंगे नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने और पैकेज दे तो आप एक्सेप्ट करेंगे? अगर अरे बनेंगे तब ना नियत तो साफ होनी चाहिए ना। कह देने से क्या होगा भाई, इन लोगों की बात पर क्या भरोसा। कोर्ट को कह दिया था कि बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और कोर्ट में वचन देने के बाद भी ढाह दिया। ताज पब्लिक मीटिंग से कोई बात कह दे तो उस पर यकीन कौन करेगा, ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। और वो भी कहें अगर मगर में, और फिर उसमें कई बातों को जोड़ दिया जाए तो ये बातें कुछ ठीक नहीं है। और ये बातें जिसको कहिए स्केप करने के लिए कही जाती। आज अगर किसी की बात को बड़े पैमाने पर प्रचार तंत्र के जरिए सुना जाता है तो उसका लोग फायदा उठाना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि इन्फॉर्म डिबेट हर इशू पर होना चाहिए। इस इशू पर भी हो, बिल्कुल इस विषय पर भी होना चाहिए। हम तो सिर्फ अकेले बिहार की बात कर नहीं रहे, बिहार जैसे जितने अति पिछड़े राज्य हैं उनके लिए होना चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, उनको मिलना चाहिए। उनके यहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, उनके यहां भी जो एग्रीकल्चर पर निर्भरता है वो घटनी चाहिए, इम्प्लॉयमेंट के नए। वो तो कह रहे थे कि अगर वो दे तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे बिहार पैकेज, अगर वो दे जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे क्या आप? क्या यही तो हमने बता दिया, यही तो बता दिया हमने कि इन बातों का क्या भरोसा। एक तो अगर मगर में कही गई है स्पेशल अटेंशन, स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस। अरे भाई उसका एक साफ मतलब है, यही तो मैं चाहता हूं कि सारे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उस पर डिबेट तो होना चाहिए। मुझे लग रहा है उसका एक इकोनॉमिक सेंस है। नहीं, नहीं, मुझे लग रहा है ही नहीं बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए तो ये कोई नारा नहीं है। मुझे कोई ऐसी मांग नहीं है जिसके पीछे तर्क नहीं है। 17 बार तर्कों के आधार पर किसी चीज को कह रहे हैं और देश के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, रीजनल बैलेंस के लिए हम इन सारी बातों को कह रहे हैं और पूरे देश को आगे बढ़ना हो। नहीं, नहीं। विकास के कुछ द्वीप बन जाएं और पूरा देश पिछड़ेपन की गहरी खाई में पड़ा रहे तो वो देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। विकास का द्वीप कौन है? आप गुजरात के बारे में कह रहे हैं? गुजरात को आपने क्या गुजरात को डिस्क्राइब किया? विकास के द्वीप के बारे में आप गुजरात के बारे में कह रहे दीजिए। पिछले दस वर्षों में जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका 56% अकेले सौराष्ट्र रीजन में हुआ। हम उन बातों में नहीं जाना चाहते हैं, कभी डिबेट होगा तो होना चाहिए। 17 बार बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में जो विकास का जो एक नजरिया है, विकास के जो हमारे कार्यक्रम है जिस पर एक इंसान उसके केंद्र बिंदु में है और वहां हो सकता है कि भारी पूंजी का निवेश हुआ हो और पूंजी इंटेंसिव उद्योग लगे हों लेकिन इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए विश्वास नहीं जमता है। जितनी बातें आज कही जा रही है उससे कोई विश्वास नहीं जमता है, इसलिए साफ तौर पर इकोनॉमिक पॉलिसीज और प्रोग्राम को सामने लाना होगा। बिल्कुल कैसे करेंगे, कह देने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल इस देश में बहुत बार बहुत कुछ कहा गया है लेकिन उसको करेंगे कैसे, किस रास्ते से बढ़ेंगे, ये सारी चीजों पर चर्चा होनी चाहिए और इस देश में यही चर्चा होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी, मैंने नोट किया, करते हैं सेकुलरिज्म तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी चीज है। मैंने नोट किया कितने बार नीतीश कुमार ने डिबेट वर्ड का यूज किया, तो मैंने देखा कि 17 बार आपने डिबेट के बारे में बोला। मुझे लगता है जो अंग्रेजी में कहते हैं यू आर इचिंग फॉर अ डिबेट विद नरेंद्र मोदी, द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर इचिंग टू सी अ डिबेट बिटवीन नीतीश कुमार एंड नरेंद्र मोदी। And let us see if that debate happens. I completely agree with you. Sorry to intervene. हम कोई दो व्यक्तियों के बीच के डिबेट की बात हम नहीं कह रहे हैं अर्नब जी, हम इशूज पर डिबेट की बात। बिल्कुल मगर इशूज पर डिबेट होना चाहिए। बिल्कुल और मैं कह रहा हूं डिबेट आप करा सकते हैं, व्यक्तियों के बीच डिबेट नहीं
बल्कि इश्यूज पर डिबेट, सबका नजरिया सामने आना चाहिए, नॉट अ पर्सनालिटी बेस्ड डिबेट, एन इश्यू बेस्ड डिबेट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड हु बेटर इंडिविजुअल्स देन नरेंद्र मोदी एंड नीतीश कुमार. इंडिविजुअल्स और डिबेट दोनों इंडिविजुअल के बीच नहीं भी हो सकता है, या एक मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच. आप देश की जनता की तरफ से प्रश्न पूछें और लोग उसका जवाब दें, अपने अपने नजरिए को रखें, आप पूरा मौका दीजिए. जरूर जनता हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे. नहीं है कि व्यक्ति बैठ करके डिबेट करें, लेकिन एक डिबेट आप छेड़ सकते हैं. हम बिल्कुल छेड़ेंगे और इस बात को आगे ले जाएंगे. नीतीश कुमार जी, मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू.